Khawar. I'm a fashion photographer and an architect. It's been 10 years now I've been working in this field and I'm thoroughly enjoying it. फैशन जो है वो जो आपका कंफर्ट जोन होता है, चाहे वो आप पहनते हैं, चाहे आप जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती है, जो आपको सूट करे, मेरे ओपिनियन के मुताबिक दैट इज़ फैशन. एनीथिंग दैट सूट्स यू, एनीथिंग यू कंफर्टेबल इन, वो फैशन है. मेरी नज़र में मिनिमलिज्म जो है वो सबसे अच्छा फैशन ट्रेंड है. दैट इज़ व्हाट माय पर्सनल टेस्ट है, मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ. लेकिन जो भी जिस कपड़ों में, जिस तरह की एस्थेटिक्स में अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, वो फैशन. फैशन फोटोग्राफी इन माय ओपिनियन इज समथिंग वेयर यू शोकेस योर एस्थेटिक्स, प्लस जो एक डिज़ाइनर के कपड़े होते हैं, जो नए ट्रेंड्स होते हैं, उनको इकट्ठे मर्ज करना. बिकॉज आई बिलीव देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कमर्शियल फोटोग्राफी एंड फैशन फोटोग्राफी. फैशन एंड हाई फैशन इज़ समथिंग डिफरेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लोथ्स इज़ डिफरेंट. तो फैशन के अंदर अगर अच्छे एस्थेटिक्स होंगे, यू डूइंग समथिंग यूनिक, समथिंग विच कैचेस एन आई, तो वो आई थिंक दैट इज़ फैशन फोटोग्राफी विद गुड यूज़ ऑफ लाइट ऑफ कोर्स. प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, वैसे मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की हुई है. आई वॉज इन माई फाउंडेशन ईयर व्हेन आई गॉट फॉन्ड ऑफ ग्राफिक एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन, और उसके अंदर हमें फोटोग्राफी भी पढ़ा रहे थे, उसमें स्कल्पचर भी पढ़ा रहे थे, पेंटिंग, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ आर्ट. फोटोग्राफी मुझे ज़्यादा अपील करती थी बिकॉज आई यूज़ टू राइट फॉर डिफरेंट मैगजीन्स एट दैट टाइम. तो मैं ट्रेवल लॉग्स करता था, तो लाइट के साथ थोड़ा सा प्ले करना, शटर अपर्चर के साथ खेलना, मुझे फोटोग्राफी में आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता गया और वो साथ साथ में करता गया. और आई कम्पीटेड फॉर लाइक इन लाइक 5 नेशनल कॉम्पिटिशन एट दैट टाइम वाइल आई वॉज स्टडिंग, एंड आई वन इन दोज कॉम्पिटिशन ऑल ओवर पाकिस्तान. तो उसने मुझे काफ़ी इंकरेज किया था. वैसे मेरा एक मुझे एक पसंद है फोटोग्राफी शुरू से. पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री इन माई ओपिनियन हैज़ एक्चुअली ब्लॉसम्ड, और लेटली मैंने तो जो चेंजेस देखे हैं रिटेल ब्रांड्स की फैशन सेंस में, दे आर अमेजिंग. ओवरऑल अगर हम देखें ईस्टर्न वेस्टर्न सारा कुछ मर्ज करके, पाकिस्तान फैशन इज़ डूइंग वेरी गुड. इन माई ओपिनियन हमारे जो फैशन डिज़ाइनर है, जब वो अपनी ओरिजिनलिटी क्रिएट करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा करते हैं. पाकिस्तानी जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, गेम आर्टिस्ट हैं, दे हैव इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट. एंड मुझे तो खुशी होती है पाकिस्तान जब ऊपर जाता है, तो आई एम अ पैट्रियट. आई बिलीव इन बूमिंग पाकिस्तान एंड आई थिंक पाकिस्तानीज का बहुत अच्छा फ्यूचर है. फैशन इंडस्ट्री इन माई ओपिनियन इज़ डूइंग वेरी गुड इंटरनेशनली. मैं खुद इंटरनेशनली फ़ोटोशूट्स करता हूँ. आई हैव डन अ लॉट ऑफ फ़ोटोशूट्स इन यूरोप, आई हैव डन इन फार ईस्ट. हमारे जो लोग हैं उनकी स्किल बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से जिन हालात में हम लोग पॉलिश होते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के स्टूडेंट्स, वो उसमें बड़े कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं. बाहर के मुल्कों में शायद हो सकते इस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स ना होते हों.
तो इसमें इतना हार्डकोर ट्रेनिंग हो जाती है हमारी आर्ट कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि इवेंचुअली जो एंड प्रोडक्ट निकलता है, जो स्किल निकलती है, दैट स्किल इज़ ग्रेट, वो बहुत अच्छी होती है। आई वर्क विद सम फोटोग्राफर्स इन यूरोप एज वेल, उसमें आई रियलाइज दैट हम पाकिस्तानी काफ़ी अच्छा करें, वहाँ पे भी कुछ बहुत अमेजिंग लोग हैं। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, हर मुल्क के अंदर बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का बहुत अच्छा टैलेंट है। Always been an admirer of art directors. I think art directors जो हैं वो बहुत important हिस्सा हैं किसी भी fashion shoot का. Stylist बहुत important हिस्सा हैं, because you know I believe in specialization. I don't believe in someone being jack of all trades. हाँ, एक time था कि मजबूरन photographer को सारा कुछ करना पड़ता था to create a good image. Obviously जिसका भी कॉन्सेप्ट होता है वो कंसेप्चुलाइज एक फ़ोटोशूट को आर्ट डायरेक्टर भी कर सकता है, फोटोग्राफर भी कर सकता है, स्टाइलिस्ट भी कर सकता है और फैशन डिज़ाइनर भी कर सकता है। फिर वो कंसेप्चुअल लीड पे होता है, बाकी टीम उसको फॉलो करती है, वो अपना कॉन्सेप्ट बताता है, उसके ऊपर फिर बाकियों की जो स्किल है, स्टाइलिस्ट जिस तरह उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है या करता है, इसी तरह आर्ट डायरेक्टर को वो फॉलो करता है, फोटोग्राफर उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी लाइट क्रिएट करता है, अपनी थीम क्रिएट करता है। तो जो भी कंसेप्चुअल लीड हो, अगर फोटोग्राफर कंसेप्चुअल लीड है तो वो बता देता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इस तरह का सेट चाहिए, तो ये तो आई थिंक एक काम को चार चांद लगा देता है। इसकी तो रिज़ल्ट जो है आई थिंक 500% इसको अपलिफ्ट कर देता है। तो ये बहुत एक एसेंशियल पार्ट है, और जिस तरह की इस तरह की स्पेशलाइजेशन आती जा रही है, इसका इंडस्ट्री को फ़ायदा है और ये होनी चाहिए। When I started my work, जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं सोच रहा था कि मैं फैशन फोटोग्राफर बनूंगा, क्योंकि ट्रैवल फोटोग्राफी इज़ माई फर्स्ट लव, तो मैं गुड्डू शानी से बहुत इंस्पायर होता था, द वे दे चेंज द फैशन सीन एंड जिस तरीके से उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इंडल्ज किया, जिस तरीके से उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विस दी लोगों को और एक वन स्टॉप सोल्यूशन दिया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब खुद फोटोग्राफी की, तो अब मैं फ़ोटोग्राफ्स से इंस्पायर होता हूँ। अब वो किसी की भी हो सकती हैं, वो जूनियर की हो सकती हैं, किसी सीनियर की हो सकती हैं। मैं काम देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तस्वीर अच्छी लगती है, लाइट अच्छी लगती है, कोशिश करता हूँ कि अपने आप के अंदर जो कमियाँ हैं फ़ोटोग्राफी के अंदर वो पूरी करूँ, क्योंकि मैं एक लाइट के ऊपर काम करने वाला इंसान हूँ। आर्किटेक्चर मैंने किया था, उसमें मेरा थीसिस लाइट पर था, फिनोमेना ऑफ ट्रांसपेरेंसी उसका केस स्टडी था, आई मेड होल बिल्डिंग आउट ऑफ लाइट। तो मैं लाइट के ऊपर काम करता हूँ और उस पर कोशिश करता रहता हूँ कि बेहतर से बेहतर करूँ। मैंने मेजरली काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ काम किया ओवर दिस टाइम पीरियड, आई नेम अ फ्यू। जिस तरह अगर हम स्टार्ट करें इंडस्ट्री के हैवी वेट से, तो शान के साथ हमने शूट किया हुआ है, हुमायमा मलिक हैं, मिकाल जुल्फ़िकार हैं, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, दानिश तैमूर हैं, एहसन खान हैं, मुनीब भट्ट हैं, एक्ट्रेसेस के अंदर अलीज़े शाह हैं, उष्णा शाह हैं, और मीरा के साथ हमने एक बड़ा ज़बरदस्त शूट किया था। बेसिकली मीरा को हमने ट्रांसफॉर्म किया था और टोटली उनकी जो हमने इमेज था वो चेंज कर दिया था। वो एक मैगज़ीन है हेलो पाकिस्तान, उसके कवर पे वो प्रिंट हुई थी। एक स्टाइलिस्ट को अलहदा से हायर किया विद वेस्टर्न अटायर और उनके साथ एक अच्छी लाइट क्रिएट की, बिल्कुल एक वेस्टर्न शूट्स की तरह की।
तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड और उस शूट की काफ़ी धूम मची थी. और मीरा, आई रिमेंबर व्हेन आई शोड हर द फर्स्ट इमेज, तो शी एक्चुअली जंप्ड विद जॉय. और शी वॉज़ अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद. मतलब वो ऑन स्क्रीन तो और आप चीज़ें देखते हैं, लेकिन काम के वक्त उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ की थी कि आई एम न्यू टू फैशन मॉडलिंग, मुझे ये चीज़ नहीं आती सही तरह से, लेकिन आप मुझे जैसा डायरेक्ट करेंगे मैं वैसा करूँगी. और उन्होंने बिल्कुल वैसा किया एंड अ वेरी फोटोजेनिक फिल्म. तो वो बहुत एक अच्छा शूट था. वैसे तो इतनी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के साथ किया और बहुत अच्छा रहा. मतलब फॉर एग्जांपल मोहसिन नवाज के साथ मैंने एक शूट किया, उसका नाम तमाशा था. हमने अबैंडन्ड सिनेमा में जाके उनको जोकर का गेटअप किया. और एक हमने चार्ली चैपलिन इन लाहौर किया, उसमें वो चार्ली बने थे. फिर बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ कमर्शियल शूट्स किए हैं, फैशन शूट्स किए हैं, जिसमें ज़रा एवरीथिंग लुक्स वेरी प्रिटी प्रिटी एंड फैंसी. बट ये दो लोगों के साथ जो किए थे वो ज़रा एक्चुअली मेड अ डिफरेंस. मुझे भी तकरीबन एक डेकेड हो गया काम करते हुए. आई रिमेंबर आई स्टार्टेड माई ऑफिस इन 2011. उससे पहले आई वर्क फॉर न्यूज़वीक पाकिस्तान फॉर अ लिटिल वाइल. और उसके बाद 2013 वाज माई मेन स्ट्रीम ब्रेक व्हेन आई गॉट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, उसकी कमर्शियल फोटोग्राफी. शुरू के आई से कि 4-5 साल इतना इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली सिंस लाइक 4-5 ईयर्स, लेट्स से 4 ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा एक फैशन इंडस्ट्री हमारी इज फ्लडेड विद फोटोग्राफर्स नाउ एंड न्यू टैलेंट. बिकॉज हमारी आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैच्योर हुई हैं. कुछ एक दो नई आर्ट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, उन्होंने फोटोग्राफी को प्रॉपर कोर्सेज के तौर पर देना ऑफ़र करना शुरू कर दिया है. डिजिटल कैमरे ने बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं. पहले जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब उस टाइम पे एनालॉग भी था, डिजिटल भी था. आई लर्न फ्रॉम एनालॉग बट आई बॉट अ डिजिटल कैमरा, जो मेरा पहला कैमरा था. आई बिलीव इन इनोवेशन. तो लेकिन ये कि एनालॉग का ज़माना अब चला गया, उस पर ये होता है कि उसकी प्रैक्टिस से फ़ायदा ये होता था कि आप एक लाइट देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या शटर स्पीड रखनी है. लेकिन अब ये फ़ायदा है कि डिजिटल है, आप देखते हैं, खींचते हैं, नहीं पसंद आती आप डिलीट करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा. अब उसके बाद यू कीप ऑन. तो आहिस्ता आहिस्ता एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी अच्छे आ गए हैं, लाइटिंग कैमरास भी अच्छे आ गए हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिनके एस्थेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं. तो अब तो आई थिंक एवरीवन कैन बी अ फोटोग्राफर. सोशल मीडिया पे फीडबैक बहुत अच्छा आता है. और समटाइम्स यू नो जो कमर्शियल वर्क होता है उसका और भी बेहतर आता है, ख़ास तौर पे अगर आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ शूट किया हुआ है. बिकॉज पीपल वांट टू सी द स्टार्स. तो अगर आप उनको एक अच्छा तरीके से फोटोग्राफ कर रहे हो तो लोगों को वो देख के अच्छा लगता है, उनके फ़ैन्स होते हैं. जाहिर सी बात है ऑन स्क्रीन एक्टर्स दे हैव अ बिगर फैन फॉलोइंग देन पीपल वर्किंग बिहाइंड द कैमरा लाइक अस. तो वो फीडबैक बहुत अच्छा आता है. जब कोई एडिटोरियल हो या कोई कंसेप्चुअल शूट हो उसकी फीडबैक जो आती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ. बिकॉज दैट इज़ प्योरली आर्ट. उसकी अगर कोई लाइट के ऊपर कमेंट करे या उसके एक आर्टिस्टिक इमेज के ऊपर कमेंट करे तो दैट इज़ समथिंग आई एडमायर मोर. न्यू जनरेशन जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है एज स्टाइलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है. और इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वास्ट ब्रांचेस निकल रही हैं और विच इज़ अ वेरी गुड साइन. अब इसमें मैं जो देखता हूँ, आई इवेंचुअली सी ब्रांड्स हायरिंग देयर ओन टीम्स. और जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो ब्रांड्स भी बना रहे हैं, वो अपने ख़ुद ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं. तो आई थिंक ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी जो है इन टर्म्स ऑफ फैशन वो पाकिस्तान में बढ़ेगी. बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ई कॉमर्स.
तो इसका इवेंचुअली फ़ायदा होता है, आपकी टीम डेवलपमेंट के ऊपर फ़ायदा होता है, आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बिजनेस ही जनरेट करेंगी। इवेंचुअली फिर होता ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होता है इंडस्ट्री के अंदर, आपको थोड़ा सा फिर दिल दिखाना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, और परसिस्टेंटली जो करता रहता है थोड़े सब्र के साथ, इवेंचुअली वो जीत जाता है। फैशन फोटोग्राफी के ज़रिए ज़रूर करना चाहिए अपने कल्चर को। मैं कोशिश ये करता हूँ कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान के जो कपड़े हैं और पाकिस्तान की जो सीनिक ब्यूटी है, उसको फैशन के साथ मर्ज किया जाए। जो आर्किटेक्चरल हमारी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाहौर ये खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बहावलपुर में हैं, चोलिस्तान में हैं, मुल्तान में हैं, इसी तरह हमारा नॉर्थ है, वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटिफुल माउंटेनियस रीजन बाय द वे। आई ट्रेवल टू यूरोप, बट पाकिस्तान का जो नॉर्थ है उससे खूबसूरत कुछ नहीं है, स्पेशली स्कर्दू। इट वॉज 2013 जब मैंने कलाशा ट्राइब के ऊपर एक फ़ैशन शूट किया था। एक डिज़ाइनर थे आकिफ महमूद उनका नाम है, उन्होंने मुझे कपड़े कुछ दिए थे और वो कलाश थीम के ऊपर थे। बिकॉज माई फर्स्ट ट्रेवल ट्रिप एंड माई फर्स्ट ट्रेवल फोटोग्राफी वॉज फ्रॉम कलाश वैली, एंड दैट वॉज वेन आई रोट माई फर्स्ट ट्रेवल लॉग इज़ वेल। मैं वहाँ से मेरे जहन में वो इंस्पिरेशन थी, मैंने उस पर कलाश ट्राइब के ऊपर किया था। इतना रिच कल्चर, इतने ज़बरदस्त कपड़े, और दुनिया उसको ना देखे, मतलब हमारे मुल्क के अंदर तो इतने इतने खजाने। अब आई एम ग्लैड क्योंकि सोशल मीडिया इतना कॉमन हो गया है, टूरिज़म को इतना प्रमोट करें, एंड आई एम रियली ग्लैड डिस्कवर पाकिस्तान जिस तरीके से दिखाता है हमारे मुल्क की सीनिक ब्यूटी को और फैशन और कल्चर को, ये तो बहुत ज़रूरी था। एंड मैंने जब ये पहली दफ़ा चैनल देखा था तो मुझे तो बहुत खुशी लगी थी, और आई वॉज़ वॉचिंग इट विद माई सन। मैं उसे हम लोग इतने प्राउड फील कर रहे हैं, ऑल दो वो 6.5 है, तो ही वॉज़ लाइक कि ये चैनल ऐसे है जैसे मैं कोई BBC लाइफस्टाइल चैनल देख रहा हूँ, बिकॉज वो उसको देखता है BBC लाइफस्टाइल और CBBS, तो उसकी जो प्रोडक्शन थी और वो चीज़ें थी। तो हम ज़रूर हम इसको दिखा सकते हैं और हमें दिखाना चाहिए अपने कल्चर को। माय ड्रीम इज़ टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड एंड बी हैप्पी विद माय लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज मोस्टली सेटिस्फाइड विद लाइफ, बिकॉज आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन रिस्क। तो मैं खुश हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से। मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिशात नहीं है, मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन ये कि मुझे ट्रैवल करने का शौक़ है। माय अल्लाह हैज़ बीन काइंड, आई ट्रेवल्ड लॉट अराउंड द वर्ल्ड, आई ट्रेवल्ड इन पाकिस्तान, अब मैं पाकिस्तान में और ट्रेवल करना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनली भी करना चाहता हूँ। तो मुझे ये चीज़ खुशी देती है, मटेरियल थिंग्स का इतना मुझे शौक़ नहीं है। तो ड्रीम तो यही है, और वो ड्रीम आई थिंक साथ साथ फुलफ़िल हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स अ फुल स्टॉप, बिकॉज यू नेवर नो, यू नो समटाइम्स आपके कुछ और ज़िंदगी में एम्स आ जाते हैं, कुछ और ख्वाहिशात आ सकती हैं। तो अगर आपके लिए वो बेहतर है अल्लाह की नज़र में तो वो पूरी होंगी। प्रोफेशनल टिप्स फॉर यंगस्टर्स यही है कि कंसिस्टेंटली काम करते रहें, दायरे से बाहर ज़रूर सोचें। कमर्शियली जब काम करें तो जो क्लाइंट कहे वो उसको कर दें, ताकि आपकी फाइनेंसेस भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अपना साथ एस्थेटिकल वर्क जो है और आर्टिस्टिक वर्क है उसको साथ साथ जारी रखें। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी परसिस्टेंट, बी वेरी कंसिस्टेंट, कभी गिव अप नहीं करना। अगर तो एक चीज़ सोच ली है तो फिर इसको करते रहें, टाइम लगता है, कभी कभी साल लगता है, कभी कभी 5 साल लगते हैं, लेकिन टाइम लगता है, बट यू विल अचीव इट समडे। This is Mohsin Khawar. Thank you for having me at Fashion Diary. Stay tuned. Keep watching Discover Pakistan.